हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू हेल्थियर यूट्यूब चैनल। जैतून का तेल त्वचा, बाल और सौंदर्य को बढ़ाने के साधनों के रूप में एक वरदान है। मूल विटामिन ए और ई जैतून के तेल में पाए जाते हैं, जो त्वचा को अंदर से मॉइस्चराइज करते हैं। इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑयलिक एसिड पॉलीफिनल, जो त्वचा को मुक्त कणों से बचाता है। आइए देखते हैं जैतून के तेल का उपयोग करके हम चेहरे से झुर्रियों को कैसे हटा सकते हैं। सोने जाने से पहले चेहरे और गर्दन से झुर्रियों को हटाने के लिए जैतून के तेल से 5 मिनट के लिए अपना चेहरा अच्छे से मसाज कर लें। अपना चेहरा धोएं नहीं, तेल को चेहरे पर ही रहने दें। सुबह अपने चेहरे को अच्छे से पानी से धो लें और अपने मनपसंद सनस्क्रीन को अप्लाई कर लीजिए। यदि आपकी त्वचा ऑयली है तो आप एक चम्मच ऑलिव ऑयल के साथ एक चम्मच एलोवेरा जूस मिला लें और फिर अपने चेहरे की उसी तरह 5 मिनट तक मसाज करें और उसे रात भर वैसा ही छोड़ दें। सुबह में तेल को धो लें। केवल कुछ उपयोगों से ही आपकी त्वचा चमकदार, स्वस्थ और रिंकल फ्री हो जाएगी। जैतून का तेल उपयोग करते समय याद रखने वाली बात, त्वचा और बालों पर जैतून का तेल इस्तेमाल करना अच्छा होता है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले बेहतर है कि आप उसे हल्का गर्म या गुनगुना कर लें। यहाँ याद रखने की महत्वपूर्ण बात है कि जैतून का तेल सीधे लौ में गर्म नहीं किया जाना चाहिए, वरना इसके गुण नष्ट हो जाते हैं। आप इसे गर्म पानी से भरे छोटे कटोरे में डालकर गर्म कर सकते हैं, या जैतून का तेल माइक्रोवेव में भी गर्म किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि जैतून का तेल चेहरे के छिद्र को ब्लॉक नहीं करता है, जबकि आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मॉइस्चराइजर त्वचा को ऑयली और चिपचिपा बनाते हैं। इससे कई त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं, जबकि दूसरी ओर जैतून का तेल आसानी से त्वचा के अंदर गहराई से प्रवेश करता है, जिसकी वजह से आपका चेहरा स्वच्छ, ताज़ा और यंग दिखता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो सहायक और जानकारीपूर्ण लगा है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।